जो ये एलडीसी ग्रेड जैसे बाबू वगैरह की इनकी तनख्वाह में इनका कन्वर्ट किया जाता है, उस हिसाब से बेनिफिट जो एलडीसी ग्रेड वगैरह को इनको मिलता है। हम सोच जान ये कह रहे हैं कि अब ड्राइवरों को भी ये चीज़ बेनिफिट मिले, ताकि ड्राइवर भी बेचारे हार्ड ड्यूटी देते हैं और 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं, और ड्राइवरों की जो छुट्टी मिलती है, रात के अवकाश मिलता है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यही हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी गाड़ी आप लोग चलाते हो और कितने? मैं जिला पुल में ड्राइवर हूं, अभी कलेक्टर की एज ए गाड़ी चला रहा हूं, और ये हमारे साथ में जो साथी हैं ये यूनिवर्सिटी से आए हैं, कुछ वन विभाग से आए हैं, अजमेर जिले के सारे ड्राइवर। हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हमने, अजमेर जिले के सब विभाग के ड्राइवर जो भी आए हैं सब उन्होंने ज्ञापन दिया है कि भाई हमारे ड्राइवरों का भी प्रमोशन हुआ जाए और ये तनख्वाह के अंदर, हाँ, सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट मिले। आश्वासन अभी हमने कलेक्टर साहब को दे दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम आगे पहुँचा देंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या इरादा? अब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे जो भी होगा हम लोग उसकी कार्रवाई, हम सीएम तक जयपुर तक जाएंगे, उनको बताएंगे साहब ये हमारी मांगे पूरी। यूनियन हमारी यूनियन बनी हुई, हम लोग अपनी यूनियन बनी हुई, ये लेटर पैड ये अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ है। हाँ, मेरा नाम महेश चंद गुहर है। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के वाहन चालक हैं सब। हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में यह है कि एलडीसी को जैसे प्रमोशन मिलता है वैसे हमें ही प्रमोशन मिलना चाहिए, जबकि ड्राइवर की सबसे सख्त ड्यूटी होती है, 24 घंटे स्टैंड पर रहता है वो, तो जब बुलाया जाता है जब जाता है, कोई छुट्टी का पता नहीं, कोई और नहीं, जबकि बाबुओं की 10 से 5 की ड्यूटी रहती है। तो हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए, हमें भी क्या ग्रेड पे ग्रेड दूसरी मिलनी चाहिए, बस यही चाहते हैं हम। तो ग्रेड पे जो है हम सारे विभागों के ड्राइवर हैं अजमेर ज़िले के, और जबकि एलडीसी की ग्रेड और ड्राइवर की ग्रेड बराबर है, तो उनको प्रमोशन मिलता तो हमें क्यों नहीं मिलता प्रमोशन? हमें भी प्रमोशन मिलना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर आगे तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और किसी से मिलना होगा तो उससे भी मिलेंगे। पवन कुमार शर्मा, MDS यूनिवर्सिटी में हूँ, जिला अध्यक्ष में।